अरे नरेंद्र मोदी सरकार से कराई सकाई शिंदे सरकार से कराई सकाई जीएसटी मुक्त भारत, जीएसटी मुक्त भारत, वंचित बहुजन आघाड़ी सरकारों के साथ अम्बेडकर आगे बढ़ो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, फडणवीस शिंदे होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, अरे शिंदे फडणवीस होश में आओ, अरे नहीं चलेंगी नहीं चलेंगी, अरे नहीं चलेंगी नहीं चलेंगी, कृषि उत्पादन डेअरी उत्पादनावर जीएसटी लावणाऱ्या सरकारचं करायचं काय, अन्नधान्यावर जीएसटी लावणाऱ्या केंद्र सरकारचं करायचं काय, अरे होश में आओ होश में आओ। केंद्र गरीबावर अन्याय करायचं केंद्र सरकार करायचं काय, नाही चलेगी नाही चलेगी, होश में आओ होश में आओ। जब आप पहले किचन में जाते थे तो तेल एक तेल तेल जाते दो चक्के तीन चक्के, अब जीएसटी लग गया, अब कैसा कैसा लगता है किचन में जाने के बाद, कितना सवाल दीजिए। किचन में जाने के बाद ऐसा लगता है, अभी तेल पहले इतना लेते थे 5-7-10 लीटर, अभी 1 लीटर 2 लीटर कितना लेने का, ये सबकी परेशानी है। अभी तेल पे तेल इतना महंगा बढ़ा है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा बढ़ा है, दूध बेकरी के सब सामान और पूरे दाल जो है मूंग की दाल तूर की दाल सबके ऊपर जीएसटी लगाए, ये कर ये जो जीएसटी है ये सब पे लगाने के बाद अभी हमने खाने का क्या है। अभी 2 साल में कोरोना था, कोरोना के बाद अभी भी कोई भी रोजगार को अभी भी रोजगार मिला नहीं है, अभी भी सब लोग परेशान है, तो फिर भी अभी इस पे जीएसटी लगाए तो इसका मतलब क्या है, लोगों ने खाना या नहीं खाना है, सब खाने के ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं, ये सामान्य लोग बहुत सब जनजीवन इनका सब परेशान है सब इसकी वजह से, इसलिए श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर के आदेश के अनुसार हमने ये पूरा जगव्यापी आंदोलन हमने इधर किया है, ये सब महाराष्ट्र में हमारा आंदोलन है और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरुद्ध में हम ये निषेध करते हैं कि जीएसटी लगाना नहीं चाहिए। इसके लिए सब जिला जो भी जिला है तालुके सब लोगों ने ये करना चाहिए और ये लागू नहीं करना चाहिए, इसका हम बहुत बड़ा निषेध करते हैं कि जीएसटी नहीं लगना चाहिए। आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या आदेशाने आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या महाराष्ट्र राज्याच्या अध्यक्षा रेखाताई ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने जे खाद्यपदार्थावर जसं पॅकेज खाद्यपदार्थ आहे दूध दही पनीर तसेच तांदूळ गहू इत्यादी सारख्या खाद्यपदार्थावर केंद्र सरकारने जीएसटी लावलेला आहे आणि हा जीएसटी रद्द करण्यासाठी आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या आदेशाने सर्व महाराष्ट्रभर राज्यव्यापी वंचित बहुजन आघाडी आंदोलन करत आहे, त्याचाच भाग म्हणून औरंगाबाद जिल्हा कलेक्टर कार्यालयावर आम्ही औरंगाबाद जिल्हा शहर पदाधिकारी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जे केंद्र सरकारने राज्य सरकारने जीएसटी लागू केलेले आहेत ते जीएसटी रद्द करण्यासाठी आंदोलन करत आहोत। आज या आंदोलनासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते, महिला आघाडीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते, कामगार आघाडी युवा आघाडी सर्व पदाधिकारी आज मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत। विरोधामध्ये म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूंवरती जो केंद्र सरकारने 5% जीएसटी लावलेला आहे त्यामुळं सर्वसामान्य गरीब माणसाच्या ताटातलं जे जेवण आहे ते मिळणं आता आणखी थोडस महाग होणार आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या आयुष्यामध्ये थोडीशी परेशानी वाढणार आहे, त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही हे आंदोलन केलंय की आज कुठलाही प्रस्थापित पक्ष आज या आंदोलना जीएसटीच्या विरोधात बोलायला तयार नाहीये, कुठलाही विरोधी पक्ष बोलायला तयार नाहीये आणि म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर भारतामध्ये सर्वात प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून आता वंचित बहुजन आघाडीच या ठिकाणी समोर येताना आपल्याला दिसतंय। म्हणून आगामी ज्या कोणत्या निवडणुका असतील त्या निवडणुकांमध्ये लोकांनी मतं करण्याच्या अगोदर आपल्या घरातला सिलेंडर बघावा, आपल्या किचन मधलं जे रोजचं जे खाण्यापिण्याचं सामान असेल ते बघावं,
शालेय मुलांचं साहित्य बघावं आणि आजारी पडलेला एखादा माणूस जो हॉस्पिटलमध्ये आहे त्याचं बिल बघावं आणि म्हणत त्यांनी मतदानाला जावं। आज जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद के सामने केंद्र सरकार ने जो खाने की अशिया है उस पर जो 5% GST लगाई है उसके विरोध में, उसके खिलाफ में यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से धरना रखा गया है। यह बड़ी शर्म की बात है कि खाने की चीजें बाकी रह गई थी जिस पर जो है अभी केंद्र सरकार ने जो है GST लगाकर हमारी जो रोटियां थी वो छीन ली। कुछ आप जानते हैं कि पिछले दो साल जो है लॉकडाउन की कोरोना की वजह से गुजरे हैं जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा परेशान थे। अब किसी तरह जो है गाड़ी लोगों की पटरी पर आई थी और वो लोग कुछ उभरने लगे थे तो केंद्र सरकार ने जो है ये GST लगाकर इस पर जो है ये हमारे लिए रोटी भी महंगी कर दी है। ये बड़ी शर्म की बात है। ये जो सरकार है आपने देखा होगा कि MLA और MPs को हजारों करोड़ में खरीद रही है कुछ, और उसका पैसा जो है ये हम लोगों से रोटी का जो हमारा अनाज इसके जरिए खरीद वसूल करके ये जो MLA और MPs जो है खरीद रही है। ये थूर ऐसी सरकार पर, धिक्कार ऐसी सरकार पर जो हमारी रोटियां हमारा अनाज खींच रहे। ये जो सरकार है ये किसान जवान और इंसान की दुश्मन है। आपने देखा होगा कि जिस तरह किसान मोर्चा था, किसान लोग रस्ते बैठे थे उसके लिए, वो कानून जो काला कानून बनाया था, इनका सीधा सीधा यही है, मंशा यही है कि किसी तरह आम लोगों को जो है परेशान किया जाए। जो अभी तक बाकी था खाने पीने की चीजों पर जो अभी टैक्स बाकी था वो लगा दिए आपने, गैस पे, आपने पेट्रोल में, आपने डीजल पे, आपने तेल पे, आगे जो रोजमर्रा की चशिया है उस पर आपने टैक्स लगा दिए थे। तो ये जो अब ये बाकी रह गया था हमारी रोटियों पे, हमारे अनाज पे, हमारे खाने पे जो है टैक्स लगाकर जो है हमको उससे वंचित करना चाहती है। लेकिन जब तक आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब जो है इसका लीड कर रहे हैं, जब तक जो है ये महंगे खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी लड़ते रहेगी, चाहे कोई पार्टी बोलो या मत बोलो, उसके खिलाफ मत लड़ो। दूसरे पार्टियों की मजबूरी होगी जो BJP के खिलाफ खड़े नहीं रहेंगे, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी की और आदरणीय बाड़ा साहब की कोई मजबूरी नहीं है। वो हमेशा जुल्म के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ लड़ती रहेगी, और जब तक महंगाई कम नहीं होती, जब तक केंद्र सरकार सीधी नहीं होती, जब तक जो है वंचित बहुजन आघाड़ी ऐसी लोकशाही मार्ग से धरने, आंदोलन, उपोषण करते रहे।